बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम प्यारे व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब हैरियत से होंगे और अल्लाह के फ़ज़्ल करम से मैं भी हैरियत से हूँ। और हमारी दुआ है कि हमारे चाहने वाले जहाँ भी रहें खुश रहें और उन पर अल्लाह ताला का खास करम हो। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि घर का काम लगा हुआ था, फाइनली वो कम्प्लीट हो गया है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि पीछे हमने जो ग्रिल भी लगा ली है, तो व्लॉग को शुरू करते हैं। तो व्यूअर जैसे कि ये मार्बल का काम भी कम्प्लीट हो गया था, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर रगड़ाई भी हो गई थी, इसकी वजह से यहाँ पर अभी शाइनिंग है। तो अगर आप यहाँ पर कुछ बल्ब लगा लें, तो जैसे कि आपको ये दिख रहा है बल्ब वहाँ पर, तो ये शाइनिंग इसकी इतनी हो गई अभी, तो आप देखें। तो ये घर का सीन है, ऊपर का जो ऊपर जो हमने घर बनाया उस, तो ये उसका सीन है। तो उस दिन हमने ये ग्रिल भी लगा ली थी। तो आप सबसे पहले देखें कि ये बरामदा है। तो जैसे कि बरामदे में हमने ये दरमियान में ये बॉर्डर लगाया था, तो इससे इसकी डेकोरेशन काफ़ी अच्छी हो गई है। तो चलते हैं पहले कमरे की तरफ। तो सबसे पहले आपको बताता हूँ, उस दिन हमने ये दरवाज़े भी लगाए थे, तो क्योंकि दरवाज़े काफ़ी बड़े थे तो यहाँ पर फिट नहीं आ रहे थे, तो इन्हें हमने यहाँ से काट दिया था। तो फिर ये इनको टांकों के ज़रिए वेल्ड कर दिया था। तो जैसा कि आप देखें, ये पहला कमरा है, तो इसकी खिड़की, तो चलते हैं दूसरे कमरे की तरफ। तो इस दरवाजे को भी काट दिया था क्योंकि ये भी बहुत ही बड़ा था। तो जैसे कि खिड़की लग गई है, अभी खिड़की जो विंडो है इसमें शीशा लगना बाकी है। तो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह घर का काम कंप्लीट हो गया है। तो ये हमारा सीन है ऊपर का। तो अभी चलते हैं किचन की तरफ। तो जैसा कि ये किचन है, देख सकते हैं, तो किचन में हमने ये शेल्फ डाल दी थी, तो इसके ऊपर अभी ये पत्थर, एक पत्थर लगेगा ये पूरे सब के ऊपर, तो बाकी प्लास्टर हो गया था। तो जैसे कि व्यूअर, जैसे कि मैंने आपको घर का काम दिखा दिया था, घर का काम कंप्लीट हो गया है। तो अभी ये कलर इनका बाकी है, बाकी सब काम कंप्लीट हो गया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारा आज का जो टॉपिक है वो पसंद आएगा। तो इस व्लॉग को यहाँ पर ही करते हैं ख़त्म, कल फिर आते रहेंगे एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।